क्या आप लोग भी यार अपने फ़ोन में यार इस तरह से यार कर्सर को यूज करके अपने यार फ़ोन को यार कंट्रोल करना चाहते हैं? यहाँ पे जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे टैप करते ही यार ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यार बहुत यार के लिए यार बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो। आज की वीडियो यार बहुत यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, जैसा कि यार आप लोगों ने यार वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि आप लोग ना अपने मोबाइल में यार कर्सर को यूज कर सकते हैं, मतलब अपने फिंगर की सहायता से। तो ये जानने के लिए यार आप लोग यार वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। लेकिन यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब यार सबसे पहले तो कर लो आप लोग। तो आप जैसे ही वो ऐप्स को ओपन करेंगे ना यार, बिल्कुल इस तरह के इंटरफेस के साथ ओपन हो जाएगा। मैं अभी यार इस ऐप का नाम बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही स्टार्टअप पे करेंगे ये आपका यार वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके कुछ फंक्शन सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप लोग यार कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कस्टमाइज करने के लिए। और यहाँ पे डिसेबल सर्विस अबाउट और लॉक ऐप में इन मेमोरी, सबका भी ये फंक्शन वगैरह दिया गया है। तो चलिए मैं दिखा दूँ ये वर्क कैसे करते हैं। जैसे ही स्टार्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टअप और स्टॉप ऐप पे ये। तो ये वर्क करने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट या राइट से बस एक स्लाइड करना है थोड़ा सा। जैसे ये स्लाइड करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्सर आ गया। जैसे कुछ भी यार ओपन करना है बस उस पर लेके जाना है, बस यार टैप कर देना है। टैप करते यार देख सकते ओपन हो गया। और मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से यार टैप करके, यार देख सकते हैं यार बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रॉपर वर्क कर रहा है यहाँ पे अच्छे तरीके से। और यदि आप इसे वर्क नहीं करना चाहते, हटाना चाहते, तो बस एक बार दूसरे जगह यार टैप कर देंगे आपकी स्क्रीन पर से, मतलब ऑटोमेटिकली हट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा और अपना फिर से काम कर सकते हैं। और फिर से इसे लाना चाहते हैं तो लेफ्ट या राइट साइड से भी किधर से भी बस ये स्लाइड कर देना है। तो चलिए मैं सभी को इसके नाम बता देता हूँ। इसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और बस टाइप करना है क्विक सर्कल वन हैंड माउस पॉइंटर। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आपका आइकन हो जाएगा। यार बहुत अच्छी ऐप्स है, आप लोग यार नया यार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के नए नए वीडियो को लेकर। यार आप लोग नीचे जल्दी से यार कमेंट करके बताओ ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो यार चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप सभी को हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी यार इस वीडियो का जितना से ज़्यादा उसके दोस्तों को भी शेयर करें। और आप लोगों को यार नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश कर सकूं। और यार इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, यार सपोर्ट करते रहना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो।